स्कॉर्पियो पीपल इसलिए बहुत टाइम पे मैंने देखा बोलना कम करते हैं. इट्स नेचुरली लाइक ना, वो जितना तमस बढ़ता है तभी आप सो पाते हो, लेट पाते हो, वरना आप लेट ही नहीं पाओगे. पूरी रात इधर से उधर भटक रहे हो. तो सैटर्न फिफ्थ हाउस में हो या कैप्रिकॉन में सही हो, तो अग्नि घर गिरा देता है. कैप्रिकॉन इज सेकेंड हाउस, मतलब कि एक तो फेस चेंज कम हो, ऐसा लोगों का मतलब एक्सप्रेशन थोड़े कम है. एक्सप्रेशन मतलब कुछ लोग का तुम चेहरा देखते हो, जैसे कि क्या नाम था उनका, एक बहुत फेमस हॉलीवुड के एक्टर है जिम कैरी, उनका फेस लाइक ही हैज अ वेरी गुड लाइक ना, उनका फेस ना, ये लिप्स अलग उठता है और ये वाला लोग अलग तरीके से डायरेक्शन में जाता है. दोनों का अलग अलग करने का उनका तरीका है. एंड यू विल फाइंड लाइक ना, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ प्लैनेट्स इन थर्ड हाउस एंड ऑल, बट द थिंग इज कि ये कैप्रिकॉन नहीं कर सकता है. कैप्रिकॉन का मूव प्लेन रहता है सेकेंड हाउस, मतलब कैप्रिकॉन जब जाएगा तो मुंह एकदम प्लेन है, उसका एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं है. ऐसा लगता है कि अब अभी थोड़ी देर बाद रोया था, अभी उठ के आ गया है. सेकेंड हाउस पे कैप्रिकॉन का इन्फ्लुएंस आया है. एंड ये सजिटेरियस लगन वालों के साथ में तुमको देखने को मिलेगा, ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है कोई चीज को लेकर, समझ रहे हैं. तो बॉस का, बॉस के मैनेजर के पास जाओ कोई भी चीज कर, क्योंकि हाँ बहुत बढ़िया, ऐसा कभी नहीं बोलता है, ठीक है, वेरी गुड, यू कैन कीप दिस असाइड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, बस इतना ही. इट इज द लिमिट लाइक ना, वो जो कंस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन है बहुत, अगर ध्यान से समझना है ना, स्कॉर्पियो का ढंग से समझे होगे ना, कैप्रिकॉन समझ में आए. स्कॉर्पियो का साइन संकुचित है, इस लाइक अ व्हाट टू से, मतलब अच्छा कह ही देता हूँ, इस लाइक मुचोड़ मुचोड़ दिया है, जैसे जैसे क्रश डबल हाँ, अप कर देते ना किसी चीज को, मुचोड़ और अच्छे से दिया. अगर समझना हो ना, तो इस लाइक अ एसहोल, हाँ इज एक्स्ट्रा दैट लाइक कंस्ट्रिक्टेड चीजें को लेकर के, कि बहुत लिमिटेडली लाइक ना वो पास होने देना है, ऐसा नहीं कि पूरा बॉडी का सब कुछ निकाल देना है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वैसा इज द कैप्रिकॉन. ओनली जितना बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट हो उतना ओपन हो, काम करो, खत्म. दैट्स हाउ आई सी कैप्रिकॉन. सो दैट इज हाउ यू विल फाइंड सेकेंड हाउस में कैप्रिकॉन, ठीक है. सेकेंड हाउस में कैप्रिकॉन, उतना बोलो जितना जरूरत है उतना बोलो, बस बात खत्म. मतलब हंसने में भी कंजूसी करते हैं, मतलब एकदम तनिक सा बिल्कुल हंसते हैं. बिल्कुल, बहुत लिमिटेड जितने में काम बन जाए. सेकेंड हाउस में कैप्रिकॉन, सेकेंड हाउस का सैटर्न भी, ठीक है, उतने ही शब्द का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है. थर्ड हाउस कैप्रिकॉन, थर्ड हाउस कैप्रिकॉन अगेन विल गिव यू ऑल दिस क्वालिटीज, जितना कम से कम हाथ मूवमेंट हो, जितना कम से कम एक्सप्रेशन हो, ऑल दिस थिंग्स क्वालिटीज विल स्टार्ट कमिंग इन टू पिक्चर, ठीक है. और फिर इसी में सेकेंड हाउस का कैप्रिकॉन हो तो किसका प्रॉब्लम देता है, इट कैन गिव यू थायराइड प्रॉब्लम, राइट. तुम्हारे गले का, थायराइड का प्रॉब्लम देने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि वो वहां पे वोकल कॉर्ड्स और वो सब चीजों को अफेक्ट करता है, और दूसरी चीजों को भी अफेक्ट करता है, ठंड की वजह से भी प्रॉब्लम कर सकता है. बट ये लोग मुंह के अंदर जाने वाली चीजें भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन जितना कम से कम चीजें खाई जा सके, ठीक है, वैसी भी चीजें, इतना कम से कम बोला जा सके जितना खाया जा सके, दैट इज हाउ. थर्ड हाउस में कम से कम सांस लेने का, ठीक है, तो कम से कम जितना ब्रेथ में काम हो सके. इसलिए आई थिंक कि कई बार स्कॉर्पियो लगन पीपल प्रेफर टू लिव इन अ प्लेसेस वेयर आर लाइक ना डाउन है, अंडरग्राउंड में रहने का सिस्टम आ जाता है, इसीलिए थर्ड हाउस में कैप्रिकॉन होने की वजह से भी. बट थर्ड हाउस और कैप्रिकॉन में स्ट्रगल है ना, द्वंद है. स्कॉर्पियो का हर प्लेसमेंट ऐसा ही है, एक तरफ जेमिनाई उठाने की कोशिश करता है, एक तरफ कैप्रिकॉन दबाने की कोशिश करता है, वो स्ट्रगल वाला हर जगह प्लेसमेंट है उनको, ठीक है. तो दैट इज थर्ड हाउस. फोन आते चलने भी लग जाते हैं. हाँ सैटर्न करेक्ट है, करेक्ट है. वो फोन आएगा और मतलब पाँव चलने शुरू हो जाएंगे. तो कोने में जाएंगे, मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन सो मेनी स्कॉर्पियो ना, वो एक उनका फोन आ जाए वो वहां जहां है वहां से हिलना है उनको, मतलब अकेले भी करेक्ट वो करेक्ट तो चलने लग जाएगा उस तरफ के. करेक्ट है. सैटर्न, आई हैव फ्रेंड, माय फ्रेंड इज सैटर्न, हैव लाइक थर्ड हाउस में, सेम है हाँ वो, उसका नेचुरली लाइट कम में बैठ जाएंगे जाके, अंधेरे में बैठे हैं, मतलब कोई करेक्ट. रील्स भी देख रहे होंगे ना, अंधेरे में बैठे हुए हैं, लाइट ऑन कर लो यार. तो वो प्योर स्कॉर्पियो एनर्जी की, बुध को भी खोलना तो अंधेरे में ही खोलना, तो वो चीज़ बिल्कुल, है. ऑल दोस थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टू पिक्चर्स. सो स्कॉर्पियो पीपल इसलिए बहुत टाइम पे मैंने देखा बोलना कम करते हैं. इट्स नेचुरली लाइक ना, इट्स अ साइन दैट इज अवे फ्रॉम जेमिनाई है. इसका समझने का सेंस समझना कि पता है, देयर इज अ अमावस्या दैट हैपेंस आफ्टर मकर संक्रांति.
मकर संक्रांति के बाद जब जो अमावस्या पड़ती है उसको मौनी अमावस्या बोला जाता है। उस मौनी समझ रहे हो, सूर्य हैज एंटर्ड 14 लाइक ना 14 तारीख को मकर संक्रांति में एंटर हुआ, एंड आफ्टर दैट द अमावस्या दैट विल कम विल बी कॉल्ड एज मौनी अमावस्या बिकॉज दैट इज द डे यू शुड नॉट स्पीक, यू शुड क्लोज योर जेमिनाई, जेमिनाई को पैकअप करके रखो इस दिन, बिकॉज केप्रिकॉन एक्चुअली इज द ऑल्सो द साइन दैट विल टेक यू टू पाइसिस, मोक्ष की तरफ ले जाने वाला साइन भी है। हम इसको नेगेटिविटी समझ अभी तक समझ रहे थे, लेकिन द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी दैट इट कम ब्रिंग्स ना, अपने शरीर को इस तरह से स्टेबल कर लेना, इस तरह से लेकिन स्थिर हो जाना, स्टेबल हो जाना पूरे संसार के बीच में रहते हुए, दैट विल बी द मेडिटेटिव स्टेट। अपने मन को स्थिर कर लेना इस प्रकार से, दैट विल बी द मेडिटेटिव स्टेट ऑफ दैट विल मेक यू पाइसिस, मोक्ष की तरफ ले जाने वाला। फिर इसीलिए बहुत सारी ध्यान साधना में अल्टीमेटली उतर के यू बिकम वेरी काम, वेरी स्टेबल, वेरी पीसफुल। दैट इज हाउ स्कॉर्पियो 11th हाउस में जप जाता है, एंड दैट इज वाई इट्स अ साइन ऑफ निद्रा ऑल्सो। केप्रिकॉन का बढ़ना ही तो निद्रा बनाएगा, स्लीप बनाएगा। जब तमस बढ़ना शुरू होता है तभी तो नींद आएगी, इसलिए तमस को ऐसा मत समझना कि अरे इतना नेगेटिव था, एक सीक्वेंस बना के नैरेटिव बना दिया गया है कि तमस मतलब बेकार है, बट विदाउट तमस यू विल नॉट बी स्लीपिंग ऑल्सो राइट। तमस चाहिए सोने के लिए, तो इसलिए सत्य रज तम तीनों गुणों हर व्यक्ति के अंदर होते ही होते हैं। तो जितना तमस बढ़ता है तभी आप सो पाते हो, लेट पाते हो, वरना आप लेट ही नहीं पाओगे, पूरी रात इधर से उधर भटक रहे हो, बेड पे भरतनाट्यम हो रहा है। दैट इज बिकॉज कि केप्रिकॉन भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ है, और इसीलिए केप्रिकॉन ठंड को डिनोट करता है, गर्मी कम है ठंड ज्यादा है, टेम्परेचर उसके अंदर लो होना शुरू होता है, इसीलिए हाइबरनेशन, हाइबरनेशन। इसीलिए तुमको ज्यादातर केप्रिकॉन में 4th हाउस जुड़ जाए तो कोल्ड रीजन पे ये लोग जाकर के रहना प्रेफर करना शुरू करते हैं, तो बहुत ठंडी जगहों पर रह रहे हैं तो सैटर्न 4th हाउस को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। सैटर्न 5th हाउस में है, मेरी बहन है, शी स्टडीज इन देहरादून, देहरादून में पढ़ रही है, वहां पे ठंड मतलब बहुत ठंड है, बल भर ठंड पड़ती है, तो शी इज नाउ एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट कि उसका एजुकेशन जहाँ होना है वहां पे सैटर्नियन इन्फ्लुएंस है। ठीक है, सो केप्रिकॉन 3rd हाउस, केप्रिकॉन 4th हाउस बताया मैंने अभी कि इट विल ब्रिंग दैट थिंग। सो केप्रिकॉन 4th हाउस में और क्या तुमको देखने को मिल सकता है? सो केप्रिकॉन 4th हाउस में तुमको ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को, जैसे मैंने 3rd हाउस में बताया कि 2nd हाउस में बताया थायराइड का, 3rd हाउस में बताया तुमको ब्रीदिंग का, 4th हाउस में इट कैन बी हार्ट प्रॉब्लम। लिब्रा लगन को कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि केप्रिकॉन के 4th हाउस में होने की वजह से हार्ट का पेस मेकर लगाने की जरूरत पड़ जाए, मतलब पेस नहीं है ना उतनी धीरे चल, अब हार्ट कह रहा है कि मैं शनि हो गया हूँ मैं नहीं हिलूंगा, धीरे धीरे चलने दो, तब फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना, तब आपको पेस मेकर लगानी पड़ती है, ऐसा इश्यूज आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम आना शुरू होती है कि गति अब हृदय की धड़कने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसीलिए लिब्रा लोग को भी बहुत अपने हार्ट का ध्यान रखना पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल सब चीजें, इनकी ब्लॉकेजेस, केप्रिकॉन रिप्रेजेंट दैट ब्लॉकेजेस राइट, ऑलवेज इमेजिन दैट एसहोल टाइप से सिचुएशंस, कि वो जहां जा रहा है, जहां प्लेसमेंट हो रहा है, दैट विल ब्रिंग दैट काइंड ऑफ नेचर, और जहां पे आपको एक कंटिन्यूस फ्लो चाहिए वहां पे वो रेस्ट्रिक्शन आने की वजह से प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना लिब्रा लगन को, या कैंसर का 10th हाउस में होना एक तरफ केप्रिकॉन का 4th हाउस में होना, बोथ चीजें डिनोट करती हैं। देन 5th हाउस, केप्रिकॉन का 5th हाउस में जाना, नाउ अगेन स्टमक के अंदर द अग्नि इज गेटिंग डाउन, अग्नि गिर रही है कि नहीं, अग्नि के अंदर अब रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कहीं ना कहीं, तो सैटर्न 5th हाउस में हो या कैप्रिकॉन में सही हो तो अग्नि गिरा देता है, पेट का प्रॉब्लम आना शुरू होता है, स्टमक रिलेटेड चीज होती है, लिवर के अंदर फैट बढ़ जाता है, लिवर फैट नहीं बोलेंगे उसको, बट लिवर कहीं ना कहीं फंक्शनिंग की उसकी इश्यूज क्रिएट होते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आना अब एक प्रॉब्लम बन जाती है, बच्चों का डिले हो जाएगा कहीं ना कहीं, चाइल्ड को लेकर के, बच्चों को लेकर के, खुद की एजुकेशन बड़ी लंबी समय तक चलती है, 5th हाउस में केप्रिकॉन है तो लंबा समय तक एजुकेशन चल रहा है, ये भी एक तुमको देखने को नेचर मिलेगा काफी, लेकिन
कई लोग हैं जो जो बीए मतलब 30 के हो गए, 35 को हो गए, फिर भी देर एजुकेशन पीएचडी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें चल रही हैं उनकी, तब जाके कंप्लीट हो रही है एजुकेशन, या जिनको बैक आ जाए, मतलब नेचुरली सबका 4 साल में अगर पूरा होता है तो उनका 5 साल में हो रहा है, रिटन पेपर्स होने की वजह से एजुकेशन का एक ड्यूरेशन बढ़ जाए। कैप्रिकॉन 5th हाउस में बच्चे होंगे, लिवर, स्टमक, ऑल दोस थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू पिक्चर, प्रॉब्लम भी होगी शरीर में तो इसी की वजह से होगी। नेक्स्ट पोजिशन अब तुम लोग बताओ, 6ठे घर का कैप्रिकॉन हो तो निधि जी बताएंगे, 6ठे घर में कैप्रिकॉन हो तो लाइक हाउ डू यू थिंक, मतलब ट्राई टू या रिलेट। सो जॉब आई कुडंट लीव माय जॉब ओनली लाइक आई वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, तो बहुत ही स्ट्रेसफुल था, मेरे को बहुत ही सब ऐसे ही छोड़ देते थे, मेरे को बहुत टाइम लगा, मैं बहुत लास्ट आई वाज द लास्ट पर्सन टू दैट ओके ओके जॉब वाइज, बाकी आई हैव सम बैक बैक प्रॉब्लम समटाइम पेन इन बैक, रूटीन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट आई हैव टू डू दिस दैट टाइम, सो दैट्स रूटीन दैट। ठीक है। चप्पल सर में हर महीने एक नया जोड़ी चप्पल आते हैं, तो पता नहीं मैं चप्पल टिकते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टिकते, इट्स लाइक वो आई डोंट नो व्हाई दैट इज पैटर्न करेक्ट है, नहीं सैटर्न टिकता। दूर हो रहा है ना, सैटर्न आपसे दूर हो रहा है, तो अभी 12th हाउस को उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब सैटर्न ऑब्वियसली आपको जब जाप भी देता है तो स्टेबल चीजें देता है, तो अभी वो स्टेबिलिटी चली गई है ना, तो तो आपका मेरे और को लगन भी ऐसा है। एजुकेशन में ब्रेक मेरा बहुत फटाफट हो गया था, कैप्रिकॉन 5th में फिर भी मतलब मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। देखो यही तो समझना है, यही तो बातें समझनी है, कि अगर सैटर्न आपका दूर चला जा रहा है आपसे, 6th हाउस में चला जा रहा है या 8th हाउस में, तो सैटर्न अपने बल में नहीं है, मतलब सैटर्न वो स्लोनेस नहीं दे पा रहा है ना, यही सैटर्न कैप्रिकॉर्न में होता, 5th हाउस में गॉट इट। बैठा पूरा विद्यमान, तो अलग उसकी इंटेंसिटी है। अब तो वो राहु के घर में है 6th हाउस में, दूर, दोनों ही क्वालिटीज दूर जा रहे हैं। So if Saturn would have been there for her in this house, of course she would have had slow education. If Saturn, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पर सर घर में एक फर्नीचर है जो 100 साल पुराना है, चेयर है, दैट चेयर इज 100 years ओल्ड, समबडी हैड गिवन इट फ्री टू अस दैट यू कीप दिस सच एन हाँ ओल्ड बिल्कुल चेयर। बिल्कुल, तो कैप्रिकॉर्न का इन्फ्लुएंस घर पे है, आप पे नहीं। और वो ओल्ड ओल्ड घर पे है, मतलब ये न्यू घर पे तो कुछ भी ओल्ड नहीं है, तो करेक्ट, बट उसको छोड़ना नहीं वो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देने का, हाँ नहीं वो कोई निकालने देता भी नहीं, मम्मी मतलब नहीं ये रहेगा। सिक्स ठीक है ठीक है। और एनीथिंग 6th हाउस और कैप्रिकॉर्न, और सोचो, हाउस दिमाग चला। हाँ सिक्स मामा हाउस सैटर्न ना अपना डेली रूटीन चेंज नहीं करेगा, हाँ, हाँ डेली दैट्स व्हाट आई रूटीन सेड तो लाइक करेक्ट आई कांट चेंज, और उनको लंबी और बीमारियां भी हो सकती हैं। करेक्ट करेक्ट, जो बीमारियां होंगी फिर वो लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां बन जाएंगी। सर लियो में आपने एक चीज, मतलब लियो से ही निकाल रहा था मैं एक्चुअली, ये कि ये ना एम्प्लॉयज रखते हैं जिन पे तरस खा लेंगे, ठीक है, कि ये बेचारे बता देते हैं इनको कौन, कि कोई जॉब नहीं दे रहा इनको, मैं ही जॉब दे देती हूँ, तो वो सैटन 6 था ना, उनकी उनकी सेवा कर रहे होते हैं उनके काम उठा रहे हाँ हैं, तो क्या है ना ऑफिस में मैं अकेली लास्ट में, मतलब वो आईबैक्स तो आगे है और पीछे से रगड़ रहा है वो 6ठे घर में जो वो कह रहा है अच्छा चलो चलो आ जाओ मेरे पास आ जाओ मैं करता हूँ, और फिर उन्हीं को लाद के चल रहे होते हैं 6th हाउस की करेक्ट, तरफ मतलब हाँ ऑब्वियसली अपने मेड सर्वेंट्स नहीं बदल पाना, हाँ सर्वेंट, और एक और मेड्स कि ओल्डर सर्वेंट्स होना, लाइक दे विल नॉट लाइक वेरी यंग यंग हेल्पर्स, मतलब इनकी जो काम करने वाले होंगे इनके नीचे हो सकता है वो ओल्डर हो इनसे, सिक्स करेक्ट था करेक्ट।